हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आई होप आपने नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके मैथ्स एंड मोर को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन वीडियो सीरीज़ में हम एसएससी सीजीएल 2017 के सारे पेपर्स का जीके का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 8 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नियो मैल्थूजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है रिसोर्स स्कैर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, शू फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में और कंसल्टेंसी टर्शरी सेक्टर में। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और फ्रेंड्स, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज पोस्ट कर दीजिए, मैं इसके एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। नेक्स्ट, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही इसकी तरह ही और भी कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं इसके भी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट इज, बैक टू वेदास, दैट इज वेदों की ओर लौटो, किसने स्लोगन दिया। ये स्लोगन दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट इज, टोडरमल वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्प्रेयर। जो टोडरमल था वो किस मुगल एम्प्रेयर का फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो टोडरमल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इसका आंसर है अकबर। अब हम अकबर के 9 रत्नों के नाम भी जान लेते हैं। फर्स्ट इज महेश दास, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं। सेकेंड मुलादो प्याजा। थर्ड इज तानसेन। फोर्थ टोडरमल, राणा सिंह, अबूल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खन्ना। नेक्स्ट इज फैजी एंड नेक्स्ट इज फकीर दिल। ग्रेविटेशनल फोर्सेज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। फ्रेंड्स, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी। ये हमारी अर्थ है, इस पे ये इमेजिनरी लाइन है जिसे इक्वेटर बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के सेंटर से क्लोज है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम कहाँ पर है। तो इक्वेटर के जो कॉर्नर्स है वो अर्थ के सेंटर से दूर है, तो मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे होता है। और इस पर एक तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कहाँ पर होता है, तो वो अर्थ के सेंटर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। वो है हाइग्रोमीटर। फ्रेंड्स, हम बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज साइकोमीटर। साइकोमीटर ह्यूमन मेंटल एक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसका आंसर है ब्लैक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि सैफ्रोन देता है। उसका आंसर है स्टिग्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीफ। इसका आंसर है ज़ाइलम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन हम शिफ्ट 1 के पेपर में भी पढ़ चुके हैं और ये शिफ्ट 2 के पेपर में रिपीट हुआ है। तो अगर आने वाले SSC के पेपर्स में अगर आपका लेट का शिफ्ट है तो आप प्लीज़ पहले वाले शिफ्ट के पेपर्स को देखना ना भूलें। नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस सैफ्रोन। इसका आंसर है स्टिग्मा। और फ्रेंड, आई होप आप सबको सैफ्रोन के बारे में पता होगा। सैफ्रोन को हिंदी में बोलते हैं केसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स।
इसका आंसर है जाइलम. फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने ये क्वेश्चन शिफ्ट वन के पेपर में पढ़ा है और शिफ्ट टू के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. तो आगे आने वाले एसएससी के पेपर्स में अगर आपका लेट शिफ्ट का पेपर हो तो प्लीज़ पहले वाले शिफ्ट के पेपर्स को रीड करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि पहले वाले शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरे वाले शिफ्ट के पेपर में रिपीट हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो इसका आंसर है स्पीड. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होता. वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. एट व्हाट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीजेस. इसका आंसर है 32 फ़ारेनहाइट. फ्रेंड्स वाटर की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैंड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशंस सच एज BMP, PNG, JPG और GIF. इसका आंसर है बिट मैप. फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपने सारी नोट कर ली होगी. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें.